सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बीटा 3 का, जो कि आप न्यू मॉडल एम्पलीफायर देख सकते हैं DT5000HP, जो कि ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, और ये डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर आपको देखने को मिलता है। काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है ये, लगभग 5600 वाट के एम्पलीफायर है, जो कि प्राइस रेंज भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, इसका प्राइस कितना होगा, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें हम कितने वाट का बेस, कितने वाट का टॉप, ये सभी चीज़ हम बात करेंगे। इसका क्या क्या डिटेल्स होगा, 8 ओम्स 4 ओम्स में कितना आउटपुट देता है, साथ ही साथ इसका डैम्पिंग फैक्टर कितना होगा, तो सभी जानकारी आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं एम्पलीफायर के बारे में। तो यहाँ पर एम्पलीफायर का मॉडल नंबर देखने को मिलता है DT5000HP, और ये न्यू एम्पलीफायर लॉन्च हुआ है, लगभग 1 साल लमसम हो गया है मान के चलिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चैनल 1 चैनल 2 का गेन नॉब्स आपको मिलते हैं, और पीक सिग्नल और पावर प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलते हैं दोनों चैनल में। और यहीं पर अगर हम सेम यही देखेंगे तो बीचों बीच आपको एक यहाँ पर कटिंग ग्रिल मिलता है, जिससे कि ईयर पास होता है। और यहाँ पर बीटा 3 का एक लोगो दिया गया है, मतलब ब्रांडिंग। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का स्विच बटन मिलता है, और बीटा 3 का यहाँ पर ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है हैंडल में। तो एम्पलीफायर ओवरऑल लुक कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर, कि इसमें हमें कितने वाट का बेस, कितने वाट का टॉप, या फिर जो भी है इसका डिटेल्स, वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन में आपको मिलता है पावर 2 ओम्स के ऊपर 2800 वाट का पर चैनल आउटपुट, एंड 4 ओम्स के ऊपर आपको मिलता है 1800 वाट का पर चैनल आउटपुट, एंड यहाँ पर 8 ओम्स के ऊपर मिलता है 1100 वाट का पर चैनल आउटपुट आपको देखने को मिलता है। इनपुट सेंसिटिविटी एम्पलीफायर मिल जाता है, जो कि आप जानते हैं 0.775 वोल्ट का लेकर के 32 dB तक का यहाँ पर स्विच आपको पीछे क्रॉसओवर मिल जाते हैं। और बाद बाकी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन डिटेल्स है जो कि आप पढ़ सकते हो, मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा लगा दिया है, और जिससे कि आप चेक कर सकते हैं। एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, मतलब कि ये एम्पलीफायर सभी फ्रीक्वेंसी में काम कर सकता है। आप इसको इसमें आप बेस भी चला सकते हैं, टॉप भी चला सकते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी लाइनर वगैरह भी चला सकते हैं। यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर आपको यहाँ पर 500 देखने को मिलता है 100 हर्ट्ज के ऊपर और 8 ओम्स के ऊपर, जो कि बहुत सारे इसमें जो डैम्पिंग फैक्टर होता है वो बहुत सारे बेसिस पर काम करता है, जैसे कि आपका वायर कितना लंबा है, वायर कितना छोटा है, उस हिसाब से आपका डैम्पिंग फैक्टर मायने रखता है। तो उसके ऊपर हम आज के वीडियो में नहीं बात करेंगे। तो डैम्पिंग फैक्टर आपको 500 देखने को मिलता है एम्पलीफायर में, एंड यहाँ पर कूलिंग के लिए आपको सिंगल कूलिंग फैन, मतलब एक जो फैन है वो आपको पीछे देखने को मिलेगा, एंड ये जो टेम्परेचर के हिसाब से जो फैन का स्पीड रहेगा वो यहाँ पर चेंज होते रहेगा। अगर एम्पलीफायर का लोड ज़्यादा रहेगा, गर्म होगा, तो जो आपका फैन का स्पीड रहेगा वो काफ़ी तेज हो जाएगा। एंड यहाँ पर रेटेड पावर कंजप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 7 एम्पियर, मतलब कि पावर कंजप्शन जो एम्पलीफायर लेगा वो 7 एम्पियर लेगा, मतलब काफ़ी कम लोड में ये एम्पलीफायर चलेगा। मतलब कि आप 7.5 kV का जनरेटर में आप मान के चले कि 2 से 3 एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 ही एम्पलीफायर चलाइए, तो आप 7.5 kV के एम्पलीफायर में भी आप 2 एम्पलीफायर चला सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको जनरेटर में काफ़ी अच्छा खासा बचत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम लोड ले रहा है, मतलब पावर कंजप्शन कम ले रहा है, क्योंकि ये एम्पलीफायर क्लास D का है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो पावर सप्लाई आपको देना है 220 से लेकर के 230 वोल्ट तक, तो बीच में कोई भी वोल्ट आप दे सकते हैं। और यहाँ पर क्लास D का है, जो कि हम क्लास एम्पलीफायर जो है क्लास D टेक्नोलॉजी में यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर टेम्परेचर आप देख सकते हैं, टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं, वर्किंग टेम्परेचर -10 सेल्सियस, मतलब कि -10 सेल्सियस में भी ये एम्पलीफायर काम करेगा, और 40 सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर भी रहेगा तो भी आपको ये एम्पलीफायर अच्छे से चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 40 सेल्सियस से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 सेल्सियस तक ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे से चलेगा। एंड यहाँ पर इनपुट कनेक्टर, मतलब पीछे आपको दो एक्सलर मिलते हैं, जो कि आप इनपुट करेंगे, एंड यहाँ पर आउटपुट के लिए भी आपको जो है कनेक्शन, मतलब लिंक जो आपको एम्पलीफायर दूसरे एम्पलीफायर में आप देते हैं, तो वो भी आपको लिंक का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है, 2 XLR पीछे आपको मिल जाएंगे। और आउटपुट कनेक्टर भी यहाँ पर पावर देखने को मिलता है 2X NL4, मतलब कि आपको दोनों मिल जाते हैं, आप दोनों से ही आप काम चला सकते हैं, मतलब कि स्पीकर वायर भी लगा सकते हैं या फिर स्पीकर सॉकेट भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमेंशन, मतलब कि ये एम्पलीफायर का लंबाई चौड़ाई ये सारा चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंच में 3.5 एंड 3.5, मतलब आपको
मोटाई हो जाता है 3.5 इंच का मोटाई। यहाँ पर एम्पलीफायर का आप देख सकते हैं नेट वेट ओनली 14 kg का एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर आप देख सकते हैं 14 किलो का एम्पलीफायर ओनली, मतलब काफ़ी हल्का एम्पलीफायर है और इसे आप एक हाथ से भी उठा सकते हैं। 14 किलो का एम्पलीफायर आप इसको एक हाथ से भी उठा सकते हैं। यह है इसका पूरा डिटेल्स, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप काफ़ी अच्छे से इसको देख सकते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के आगे और बात करते हैं इस एम्पलीफायर में लोड कैलकुलेशन, हम इसमें कितने वाट का टॉप कितने वाट का बेस चला सकते हैं। तो जैसे कि गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टॉप के बारे में, तो टॉप हम इसमें अगर 2 टॉप चलाना चाहते हैं तो एम्पलीफायर में हम काफ़ी हेवी पावर का जो है टॉप चला सकते हैं, जो कि स्पीकर का जो पावर रहेगा वो हम यहाँ पर, तो स्पीकर का पावर हम यहाँ पर 800 वाट दे सकते हैं, तो 800 वाट प्लस HF हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का टॉप हम चला सकते हैं। और अगर ज़्यादा वाट का और स्पीकर है आपके पास, तो आप मान के चलिए कि अभी आहूजा में भी आप जानते हैं कि 900 वाट का स्पीकर आया है, तो 900 वाट का भी स्पीकर या फिर 1000 वाट का भी स्पीकर हम इसमें लगा सकते हैं। मतलब इस टाइप के 2 टॉप हम इसमें चला सकते हैं। तो ये हो जाता है 2 टॉप के लिए, तो 2 टॉप में हम इतना वाट का चला सकते हैं। अगर हमें 4 टॉप चलाना होगा, जैसे हम यहाँ पर टॉप से टॉप में कनेक्शन दे देंगे और इसमें भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, तो ये हमारा 2 टॉप एक चैनल में, 2 टॉप दूसरे चैनल में। अब इसमें हमारा जो स्पीकर का वाटेज रहेगा वो हम यहाँ पर 4 टॉप के लिए स्पीकर का वाटेज हम ज़्यादा से ज़्यादा 600 वाट का स्पीकर हम इसमें डाल सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम इसमें लोड डालेंगे। अगर आपके पास 500 वाट का स्पीकर है तो 500 वाट का भी स्पीकर आप लगा सकते हैं, लेकिन आप इसमें 600 वाट का भी स्पीकर चला सकते हैं। आपका लोड तकरीबन 6 × 12 × 13 × 26 2600 लगभग हो जाएगा HF को मिला करके। तो ये एम्पलीफायर 2800 वाट का आउटपुट दे रहा है, तो हम इतना वाट का स्पीकर लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्स अगर आपको चाहिए तो इसमें आप 500 वाट का स्पीकर के साथ 4 टॉप कंप्लीट आप चला सकते हैं। तो ये था यहाँ पर टॉप का कैलकुलेशन। अगर हम बात करते हैं बेस के बारे में, मतलब अगर हम बेस चलाना चाहते हैं तो कितने वाट का बेस चलाएंगे, तो बेस जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ब्रांड का अच्छा खासा बेस आप इसमें एक एक बेस चलाते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप कनेक्शन करेंगे, मतलब एक एक बेस आप चलाएंगे। तो स्पीकर का वाटेज आप रख सकते हैं 1200 वाट का या फिर 1000 वाट का, या फिर वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1500 वाट का भी स्पीकर चला सकते हैं, क्योंकि वो आपके स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आप वॉल्यूम अगर आप अच्छा खासा देंगे तो 1500 वाट का भी स्पीकर चल जाएगा, क्योंकि 8 ओम्स में एम्पलीफायर में उतना लोड नहीं पड़ता है, 2 ओम्स में ज़्यादा लोड पड़ता है एंड 4 ओम्स में ज़्यादा लोड पड़ता है। तो एम्पलीफायर में 8 ओम्स के ऊपर और 4 ओम्स के ऊपर ओवरलोड चलाया जा सकता है, लेकिन 2 ओम्स के ऊपर ओवरलोड हम नहीं चला सकते हैं कोई भी एम्पलीफायर में, क्योंकि यहाँ पर आपका एम्पलीफायर जैसे जैसे आप ओम्स बढ़ाते जाएंगे एम्पलीफायर में लोड वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम इस टाइप का लोड इसमें दे सकते हैं। इसमें आप कोई भी इंच का वॉइस कॉइल चला सकते हैं, 5 इंच वॉइस कॉइल भी चला सकते हैं एंड 4 इंच वॉइस कॉइल भी चला सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 बेस के ऊपर। तो 4 बेस कुछ इस टाइप से कनेक्शन रहेगा, जो कि आप जानते हैं यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन रहेगा, एक बेस में एक बेस और ये एक चैनल में चल जाएगा, बेस टू बेस दूसरे चैनल में चल जाएगा, ये 2 बेस एक चैनल में, 2 बेस दूसरे चैनल में, सिंपल रहेगा। तो यहाँ पर स्पीकर का वाटेज हम यहाँ पर 1000 वाट ही रखेंगे, 1000 वाट का बेस हम इसमें चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना वाट का बेस आपको इसमें डालना है, इससे ज़्यादा वाट का स्पीकर ना ही डाले तो बेटर रहेगा। 1000 वाट में आप 5 इंच वॉइस कॉइल में भी चला सकते हैं, 4 इंच वॉइस कॉइल में भी चला सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप चला सकते हैं। अगर आप AES पावर में जाना चाहते हैं तो 1200 वाट AES पावर का स्पीकर भी आप इसमें चला सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाता है बेस कैलकुलेशन। अब इसमें हमारा लास्ट बच जाता है क्या, प्राइस। इस एम्पलीफायर का प्राइस क्या होगा, तो चलिए हम बात करते हैं इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस। तो इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस अगर हम देखेंगे तो देखिए मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं, सभी मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं, आपके स्टेट में अलग प्राइस होगा। तो मैंने क्या बोला कि अप्रोक्स प्राइस अगर हम बात करेंगे तो इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस 65,000 रुपये आप मान के चल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लगभग 60,000 रुपये भी लिख देता हूँ। तो इन दोनों में से कोई भी प्राइस बीच में 60,000 से लेकर के 65,000 में ये एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा, DT 5000 HP। एम्पलीफायर का अगर पावर बात करें
यहाँ पर एम्पलीफायर का अगर पावर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाता है टोटल 5800 वाट का एम्पलीफायर। तो ये 5800 वाट का एम्पलीफायर 60,000 से लेकर के 65,000 में ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको बता दिया है कि सभी स्टेट में प्राइस अलग अलग होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।